नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं योगेश जसवाला। क्या व्हाट्सएप डिलीट करना पड़ेगा? क्या व्हाट्सएप चलाने के लिए व्हाट्सएप की शर्तों को मानना पड़ेगा? अगर इसका जवाब जानना चाहते हैं तो इसका एक ही जवाब है और वो है हाँ। जी हाँ, अगर व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप की हर वो शर्त माननी पड़ेगी जो अब एक ताज़ा नए अपडेट में आपको मिल रही है। तो क्या है व्हाट्सएप की ये नई कहानी और व्हाट्सएप चलाने के लिए क्या आपको सहनी पड़ेगी व्हाट्सएप की हर शर्त? बताएंगे आपको, देखिए खास रिपोर्ट। व्हाट्सएप चलाने वालों का क्या होगा? क्या व्हाट्सएप डिलीट हो जाएगा अगर आपने शर्तें नहीं मानी? जी हाँ, अगर व्हाट्सएप की नई शर्तों को देखें तो लगता तो यही है कि अगर आप उनकी सभी शर्तों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आपको अपने अकाउंट को डिलीट करना होगा। आपको बता दें, व्हाट्सएप की नई शर्तें 8 फरवरी 2021 से लागू होने जा रही हैं और अभी इसे धीरे धीरे रोल आउट किया जा रहा है। आपको बता दें, व्हाट्सएप आज हर किसी की एक जरूरत बन गया है और अब अगर यूजर्स अपना अकाउंट बनाए रखना चाहते हैं तो उनके लिए इस नई पॉलिसी को एक्सेप्ट करना जरूरी है। क्योंकि खास बात तो ये है कि अगर आप इसे नहीं ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए इसका कोई ऑप्शन मौजूद ही नहीं है, मतलब आपको ये पॉलिसी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आपको बता दें, कंपनी ने ये पॉलिसी दोनों एंड्रॉयड और iOS यूजर्स के लिए अपडेट की है और कंपनी के मुताबिक इसकी टर्म्स और सर्विस और प्राइवेसी पॉलिसी 8 फरवरी को लाइव हो जाएंगी और अगर यूजर्स ऐप का इस्तेमाल जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें कंपनी के नियमों और शर्तों को स्वीकार करना होगा। अब आपको बताते हैं व्हाट्सएप की इस नई पॉलिसी में आखिर है क्या। आपको बता दें, व्हाट्सएप की जो नई पॉलिसी है इसमें यूजर्स को जो लाइसेंस दिए जा रहे हैं इसमें लिखा गया है कि हमारी सर्विसेज को ऑपरेट करने के लिए आप व्हाट्सएप को जो कंटेंट आप अपलोड, सबमिट, स्टोर, सेंड या रिसीव करते हैं उनको यूज, रिप्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट और डिस्प्ले करने के लिए दुनिया भर में नॉन एक्सक्लूसिव, रॉयल्टी फ्री, सब लिसेंसेबल और ट्रांसफरेबल लाइसेंस देते हैं। आपको बता दें, इस नई पॉलिसी के तहत फेसबुक और इंस्टाग्राम का इंटीग्रेशन भी होगा। मतलब कि पहले व्हाट्सएप का डेटा फेसबुक के साथ साझा हो रहा था, लेकिन अब फेसबुक के साथ व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का इंटीग्रेशन पहले से ज्यादा होगा। मतलब व्हाट्सएप ने अपनी टर्म्स ऑफ प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई भी चैट करते हैं तो उसे व्हाट्सएप अपने तरीके से आगे बढ़ा सकता है, यानी कि आपका सभी डेटा व्हाट्सएप के पास होगा। आपको बता दें, वैश्विक स्तर पर करीब 2 बिलियन व्हाट्सएप यूजर्स हैं और भारत में 40 करोड़ से ज्यादा लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। अब 8 फरवरी के बाद क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और क्या आपको व्हाट्सएप की नई पॉलिसी मंजूर है ये आपको तय करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी। तो चंद दिन है जिसमें आपको व्हाट्सएप की तमाम शर्तें माननी पड़ेंगी और अगर नहीं मानी तो व्हाट्सएप डिलीट करना पड़ेगा। और 8 फरवरी 2021 के बाद हो सकता है कि कई लोगों को ये शर्तें नामंजूर हो और उन्हें अपना व्हाट्सएप डिलीट करना पड़ेगा। तो इसी तरह की लेटेस्ट टेक खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे और ज्यादा देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए आपको हमारे YouTube चैनल जय भारत टीवी को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और शेयर जरूर करना होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।